बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन डॉट 99 पर। स्टूडेंट्स, आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट और एनर्जी चेंजेस। टॉपिक तो काफ़ी लेंथी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें है इतनी लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है। ठीक है, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक आपको याद होगा कि पहले भी हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर बात की थी, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीडिंग। केमिकल रिएक्शंस को डिफरेंट तरह से डिफरेंट बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हीट और एनर्जी चेंजेस, कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन जो हीट चेंज आ रही है या जो एनर्जी चेंज आ रही है वो किस तरह की है। तो इस लिहाज से या इस टाइप की बिना पर केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होंगे। एक को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो टाइप्स आ जाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट हम पहला लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखिए, बिल्कुल इस टर्म को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, टू वर्ड है एक्सो और दूसरा है थर्म। एक्सो का मतलब है आउटसाइड और एक्सटर्नल। वर्ड एक्सो रेफर कर रहा होता है आउटसाइड एनवायरमेंट या एक्सटर्नल एनवायरमेंट को, और थर्म का मतलब क्या है, हीट। तो अब आपको यह बात यहां से क्लियर होगी कि एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जाए, जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा हो तब रिएक्शन से हीट बाहर सराउंडिंग को जाए, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हीट रिएक्शन से प्रोड्यूस हो और रिएक्शन से या सिस्टम से वो किधर जाए, बाहर आए, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप ये कहेंगे रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड आर रिलीज्ड। कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हीट क्या हो, रिलीज हो, यानी कि रिएक्शन से बाहर की तरफ आए, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ आए, उसको आप क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंपॉर्टेंट चीज जिसमें अक्सर स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज रहते हैं, वो बात यह है कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव साइन। ये याद रखना है, नेगेटिव साइन इज यूज्ड। अब सिंपल इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों, नेगेटिव साइन का जहां पर भी हम लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि डिक्रीज, जहां पर किसी चीज की कमी शो करनी हो, डिक्रीज शो करना हो, हम नेगेटिव साइन लिखते हैं। माइनस, फलां बंदा आजकल माइनस में जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके जो अपने मतलब उसके पास फाइनेंस है या पैसे हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उसकी पर्सनल वेल्थ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब है वो किस में जा रहा है, माइनस में। रिएक्शन भी जब माइनस का मतलब जरूरी नहीं है, अब हम के कहें कि वो उसकी एनर्जी बिल्कुल कम होती जा रही है, नहीं, उसकी एनर्जी अगरचे सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, पहले के मुकाबले में उसकी एनर्जी में क्या आ रही है, डिक्रीज आ रही है, कमी आ रही है, बिल्कुल जीरो से नीचे वाली बात नहीं कर रहे, ठीक है, तो डिक्रीज या कमी को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन। तो याद रखना है कि जब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी जाएगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। दैट्स व्हाई वी यूज नेगेटिव साइन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास ये रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन टू फॉर्म SO3। जब ये रिएक्शन अगर प्रोसीड हो, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो, तो याद रखना है कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है
जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी, इस रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और यहां पे कितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम डेल एच से लिखते हैं, ठीक है। जो चेंज इन हीट आती है, एच हीट के लिए नहीं है, इंथाल्पी के लिए, टोटल हीट जो सिस्टम में जो टोटल हीट मौजूद होती है, एक हमारा लेक्चर आएगा इंथाल्पी पे भी, उसमें हम इसको डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहां पर आपने याद रखना है कि एच इज नॉट फॉर हीट, हीट के लिए नहीं है, ये इंथाल्पी के लिए है। जो इस पूरे सिस्टम में यानी कि एसओ टू और ओ टू में जो टोटल हीट मौजूद है, इन दोनों के अंदर जो टोटल हीट मौजूद है, दैट टोटल हीट कॉन्टेंट इज नोन एज इंथाल्पी एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय एच। अब कम हो रही है ना, तो इसको आप किससे लिखोगे, -94.4 किलो जाउल पर मोल, 94.4 किलो जाउल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये रिएक्शन प्रोसीड होगा तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस रिएक्शन से बाहर की तरफ आएगी, यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसकी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल देखें, आपने अक्सर घरों वगैरह में वाइट वॉश के दौरान जो चूना है उसको पानी में डिजोल्व किया होगा। जैसे ही आप चूने को पानी में डालते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, तो दैट इज अ बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हीट उस सिस्टम से बाहर आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरे की बात करेंगे, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन नंबर टू। एंडोथर्मिक, अब अगेन यहां पे ये बात आपको क्लियर होगी, एक्सो में अगर बाहर आ रही है तो एंडो का मतलब है क्या आ रही है, इनसाइड आ रही है। तो वर्ड टू वर्ड है एंडो, एंडो का मतलब है इनसाइड आर इनटू, थर्म उसी तरह से हीट। तो जब रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हमें एनर्जी देना पड़े कि आप बाहर से एनर्जी खुद दो, उसको आप क्या कहोगे, उसके लिए हम क्या कहेंगे, वो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जब हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, तो उस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, एंडोथर्मिक। इस केस में बाहर से हमें रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, H2+I2, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन का कंबाइन होकर HI का प्रोड्यूस करना, हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रोड्यूस करना, दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी, हमें इसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी है, और वो होती है डेल H इज इक्वल टू +53.3 किलो जाउल पर मोल। तो इट्स मीन फॉर एंडोथर्मिक वी यूज प्लस साइन एंड फॉर एक्सोथर्मिक वी यूज माइनस साइन। इन साइन को आपने ध्यान में रखना है कि एंडोथर्मिक के लिए कौन सा साइन होगा, एक्सोथर्मिक के लिए इसको नहीं भूलना, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, थैंक यू वेरी मच।